गर्मी की मार सिर्फ भारत के लोग ही नहीं झेल रहे बल्कि पूरे यूरोप में भी इस बार गर्मी ने कहर बरपा रखा है। तापमान अपने चरम स्तर पर पहुंच गया है। जून के आखिरी हफ्ते में पूरे यूरोप का औसत तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है। इसी बीच फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दर्ज की गई। शुक्रवार यानी 28 जून को फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया, जो फ्रांस के इतिहास में सबसे अधिक तापमान है। भीषण गर्मी को देखते हुए यहां कई स्कूल बंद कर दिए गए। इससे पहले फ्रांस का अधिकतम तापमान का रिकॉर्ड करीब 44 डिग्री सेल्सियस था, जो साल 2003 के अगस्त महीने में दर्ज किया गया था। WMO के मुताबिक तापमान को लेकर पिछले 5 वर्षों का आंकड़ा देखने से ये निष्कर्ष निकलता है कि 2015 से 2019 के 5 साल का समय अभी तक का सबसे गर्म कालखंड है। बढ़ते तापमान को देखते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने चेतावनी दी है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आगे भी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि यूरोप 25 डिग्री से 45 डिग्री लैटिट्यूड के बीच बसा हुआ है। इसे टेम्परेट जोन यानी कम तापमान वाला कहा जाता है। 40 डिग्री से ज्यादा तापमान यहाँ के लोगों के लिए झुलसाने वाला है। फ्रांस के मौसम विभाग के मुताबिक तापमान अभी और भी ऊपर चढ़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यूरोप में बढ़ते तापमान की बड़ी वजह अफ्रीका की ओर से आ रही गर्म हवाएं हैं। हवाएं गर्म होने के कारण फ्रांस में सड़कों पर निकलना काफी मुश्किल हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर की दुकानों से पंखे और एयर कंडीशनर बिक चुके हैं। तो वही शिक्षा मंत्रालय ने मेरी स्कूल की परीक्षाएं स्थगित कर दी। वही दूसरी तरफ स्पेन में भी लू के चलते कई लोगों की जाने जा चुकी है। फ्रांस की मौसम एजेंसी स्टेट वेदर फोरकास्ट मीडिया फ्रांस के मुताबिक यूरोप इस समय भयंकर गर्मी और लू से जूझ रहा है। गर्मी के कहर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फ्रांस में लोगों को राहत देने के लिए सड़कों पर फुव्वारे लगाए गए हैं।